हैदराबाद सिटी पुलिस और टास्क फोर्स ने एक बैन रियासती ड्रग्स की टोली का पर्दाफाश करते हुए टोली के 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से 28 ग्राम हेरोइन और 6 सेल फोन्स को बरामद कर लिया है। इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए सीपी अंजनी कुमार ने बताया कि मुंबई से ताल्लुक रखने वाला टोली का सरगना उस्मान शेख मफरूर है। टोली के दीगर 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदगान में हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला कामाटीपुरा का साकिन इसाक मोइनुद्दीन, याकूतपुरा का रहने वाला मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, सैयद वाजिद साकिन कामाटीपुरा और अभिषेक पारिक साकिन हुसैनी आलम शामिल है। उन्होंने बताया कि कामाटीपुरा का रहने वाला इसाक मोइनुद्दीन साल 2015 में मुंबई चला गया था, जहां पर उसकी मुलाकात सरगना उस्मान और समद से हुई और उस वक्त से मंशियात को मुंबई से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था, जिसकी इतला पर कार्रवाई करते हुए मस्कूरा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। नमस्कार, हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से आज एक इंटर स्टेट ड्रग पेडलर गैंग, इसके टोटल 8 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स का अरेस्ट हुआ। इसमें रिकवरी के मुताबिक 28 ग्राम्स ऑफ हेरोइन और 6 सेलफोन का सीजर हुआ। इंटरनेशनल मार्केट में हेरोइन ड्रग का रेट रफली $150 पर ग्राम है और इंडिया में लगभग 10,500 रुपीज टू 11,000 रुपीज का इसका रेट है। हैदराबाद में सेंट्रल क्राइम स्टेशन CCS लैब टेस्टिंग से ये पाउडर, ये इसका कंफर्मेशन भी हुआ कि ये हीरोइन ही है। इस पूरे गैंग मेंबर का लीडर उस्मान शेख, नेटिव ऑफ मुंबई, ये अभी एब्सकॉन्डिंग है। इसके अलावा समद रईस खान, सन ऑफ रईस खान, एज 32, रेसिडेंट ऑफ मलाड वेस्ट मुंबई का, ही इज अरेस्टेड। इशाक मोइनुद्दीन, सन ऑफ लेट चांद पाशा, एज 23, रेसिडेंट ऑफ कामाटीपुरा, ही इज ऑल्सो अरेस्टेड। मोहम्मद ख्वाजा मोइनुद्दीन, एलियस मिस्किन, रेसिडेंट ऑफ याकूतपुरा, ही इज ऑल्सो अरेस्टेड। सैयद वाजिद, रेसिडेंट ऑफ कामाटीपुरा हैदराबाद, ही इज ऑल्सो अरेस्टेड। अभिषेक पारिक, रेसिडेंट ऑफ हुसैनी आलम, ही इज ऑल्सो अरेस्टेड। दो और ऑफेंडर्स क्रिमिनल्स जो शेख वाहिद अली, रेसिडेंट ऑफ मदन्नापेट, और सैयद अमीर अली, रेसिडेंट ऑफ इदी बाजार, ये लोग दोनों अभी एक्सकॉन्डिंग है, फरार हैं। ये अक्यूज्ड इशाक मोइनुद्दीन कामाटीपुरा का रहने वाला है और ये पहले इलेक्ट्रिशियन का बिजनेस करता था। इसको अर्ली एज में मूवी का बहुत शौक था और मूवी में पार्टिसिपेट करने के लिए 2015 में ये मुंबई चला गया और उसके बाद कोशिश किया मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए, लेकिन उसको वहां कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये लोकल वहां डीजे पब्स में और स्टेज शोज का काम करता था। एक साल के बाद ड्रग पेडलर्स उस्मान और समद, ये दोनों से इसका दोस्ती हुआ और उसके बाद स्मॉल सैंपल में हेरोइन बॉम्बे से हैदराबाद लाने का ये शुरू किया। धीरे धीरे ये नए लोगों से इसकी दोस्ती हुई और कंसाइनमेंट, बड़ा बड़ा कंसाइनमेंट ये शुरू किया। इस ग्रुप के बाकी मेंबर्स ख्वाजा, वाजिद, अभिषेक, वाहिद और आमिर, ये सभी हैदराबाद के हैं और रेगुलर एजेंट थे। उसके बाद ये लोग एक इशाक, जो कि मुंबई से हैदराबाद कुरियर का काम करता था, उससे भी ये लोग लगेज में सामान रखकर ड्रग्स को मंगाते थे। इस तरीके से आज सुबह डीसीपी टास्क फोर्स, एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स चैतन्य कुमार और उनके पूरे टीम को ये इंफॉर्मेशन मिला और उसके बाद ये लोग, इन लोग को अरेस्ट करके अब SHO कामाटीपुरा को हैंड ओवर किए। इस पूरे ऑपरेशन में एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स एस चैतन्य कुमार और उनके पूरे टीम मेंबर के मधुमोहन रेड्डी, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस साउथ जोन, एन श्री साइलम, के एन प्रसाद वर्मा, वी नरेंद्र, मोहम्मद थकीउद्दीन और साउथ जोन के पूरे स्टाफ ने काफी अच्छा काम किया।
और सिटी पुलिस के तरफ से उन सभी को मुबारकबाद। ये पूरा केस अब हमारे SHO साहब देखेंगे साउथ जोन के कामाटीपुरा, और उनके लीडरशिप में इन्वेस्टिगेशन आगे लिंक बॉम्बे का और लिंक हैदराबाद का जो भी है ये सब कार्रवाई होगी। थैंक यू।